नागराज अपने पहली कॉमिक से ही सबका चहेता बन गया था, पर बाद में राज कॉमिक्स ने इसके साथ कई सारे चेंजेस किए और विसर्पी की शादी कॉमिक्स के बाद नागराज पूरा बदल गया और उसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जो कसम खाई थी वो तोड़ दी थी एक तरीके से। और फिर इसके कई सालों बाद एक हरी मौत नाम की कॉमिक्स आई जहां एक नए नागराज को इंट्रोड्यूस किया गया जो आतंक हरता था, मतलब क्लासिक नागराज को यहां कंटिन्यू किया गया। फिर कुछ सालों के बाद आरसी ने नरक नाशक को इंट्रोड्यूस किया, तो फैंस कंफ्यूज होंगे ही क्योंकि मल्टीवर्स का कंसेप्ट इंडिया में अभी बिल्कुल ही नया है। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं, मित्रता बढ़ाते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम टू कॉमिक लॉजिक एंड साइंस। अब ये सारा बवाल शुरू होता है विसर्पी की शादी कॉमिक्स में, जहां शर्त रखी जाती है कि विसर्पी के पति को हमेशा नागमणि द्वीप पर रहना होगा और नागराज यह मान भी जाता है। लेकिन तभी भारत में खतरा मंडराता है और नागराज द्वीप को हमेशा के लिए छोड़ देता है। अब यहीं से दिमाग का भसड़ शुरू होता है, यहीं से नागराज का वजूद दो टुकड़ों में बंट जाता है और समय धाराएं चेंज हो जाती है। एक नागराज जो विश्व रक्षक है वह अपने सपनों के मंदिर की तलाश में चला जाता है और दूसरा जो कि आतंक हरता है वो हिमालय की गोद में बसे सीतनाग को बचाने चला जाता है। सिंपल है ना, अजी घंटा मेरा। अब क्वेश्चन ये है कि इससे पहले तक तो आरसी में एक ही नागराज एग्जिस्ट करता था, मतलब जन्म की कहानी सेम होगी, तो फिर साला ये मौत का बाजीगर और विष परस में अलग अलग क्यों दिखा रहे हैं? मतलब इसका जवाब हमें क्षतिपूर्ति में ही आगे मिलेगा। आगे नरक नाशक की बात करें तो उसका आयाम ही अलग है। अभी तक सिर्फ कुछ ही सिमिलर कैरेक्टर दिखाए गए हैं, जैसे कि नागदंत प्रोफेसर, नागमणि, नगीना, कालयोद्धा, कालदूत इत्यादि, वो भी अलग अवतार में। टूटेंटू को छोड़ दो, वो साला इंटरडाइमेंशनल चोर है। मैं पूछता हूँ, अगर इतने ही टुकड़े करने थे नागराज के तो एक और कर देता, जहाँ विसर्पी से शादी करके नागद्वीप का राजा बना है, नैनो को सुकून मिल जाता मेरे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद गाइज, लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इंडियन सुपर हीरो बेस्ड कॉन्टेंट देखना पसंद है तो।